सिरसा में कॉलेज छात्राओं को अश्लील इशारे करना एक मंचले को भारी पड़ गया। बस से कॉलेज जा रही छात्राओं के साथ जब एक मंचले ने गंदे इशारे किए तो लेडी बस ड्राइवर पंकज देवी को उसकी ये हरकत इतनी नागवार गुजरी कि उसने उस मंचले आशिक को सबक सिखाने की ठान ली। जैसे ही लेडी ड्राइवर ने बस रोकी तो मंचले की सिट्टी पिट्टी गोल हो गई और वो भागने लगा। लेडी ड्राइवर भी उसे पकड़ने के लिए करीब 1 किलोमीटर तक उसके पीछे दौड़ी और आखिरकार मंचला लेडी ड्राइवर के हत्थे चढ़ ही गया। फिर क्या था, लेडी ड्राइवर ने उसे खूब खरी खोटी सुनाते हुए उसकी जबरदस्त धुनाई कर डाली। इस बीच में मंचला भागने की कोशिश करने लगा तो लेडी ड्राइवर ने उसका कस से कॉलर पकड़ लिया और ताबड़तोड़ चांटे जड़ दी। पिट रहा युवक माफी मांगता रहा और आगे से ऐसी हरकत न करने की बात कहता रहा। लेडी ड्राइवर ने युवक से सरेआम माफी मंगवा कर आगे से ऐसी हरकतें न करने की बात कहते हुए उसे छोड़ दिया। छात्राओं के साथ साथ लोगों ने भी मंचले को जमकर कोसा और धुनाई के मजे लिए। वहां खड़े लोगों ने धुनाई का वीडियो बनाया और तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बता दें कि छात्राओं को बस से कॉलेज लाने और ले जाने की जिम्मेदारी लेडी ड्राइवर पंकज देवी की है। गांव झोडनाली के पास एक युवक पिछले कई दिनों से छात्राओं को गलत इशारे करके तंग कर रहा था। जब छात्राओं ने ये बात ड्राइवर पंकज को बताई तो उसने मंचले की आशिकी का भूत निकालने का मन बना लिया। और जैसे ही रास्ते में खड़ा मंचला युवक गंदे इशारे करता दिखा तो इस बहादुर लेडी ड्राइवर ने उसको ऐसा सबक सिखाया कि उसकी सात पुश्तें भी ये हरकत करने से अब बचेंगी। दरअसल में जैसा कि संज्ञान में आया है कि वो महिला ड्राइवर है, महिला कॉलेज की जो बस चलाती हैं और पहले भी मुख्यमंत्री जी से पुरस्कृत हैं और उन्होंने आज एक और अच्छा परिचय दिया है कि कोई जो मंचला था या कुछ किसी तरह से शरारत उनके साथ कर रहा था उसको उन्होंने पकड़ के और थोड़ा ठीक से समझाया है ढंग से कि भैया इस तरह से नहीं करना चाहिए। हालांकि पुलिस के पास कोई कंप्लेंट प्राप्त नहीं हुई है अभी तक। हम संपर्क करेंगे उनसे, अगर वो देना चाहेंगे कंप्लेंट तो लीगल एक्शन भी लेंगे, पर एक सराहनीय कदम है। बता दें कि ये बहादुर लेडी महिला महाविद्यालय में बस चालक के रूप में कार्यरत हरियाणा की पहली महिला बस चालक पंकज रानी है। पंकज देवी को उनके कामों के लिए जिला प्रशासन कई बार उन्हें सम्मानित कर चुका है। इतना ही नहीं, कुछ महीनों पहले दिल्ली में आयोजित टैलेंट इन इंडिया ग्रैंड फिनाले कार्यक्रम में पंकज को प्रथम स्वर्गीय परिकर अवार्ड 2019 से सम्मानित भी किया गया था। महिला दिवस पर सीएम मनोहर लाल भी पंकज को सम्मानित कर चुके हैं। पंकज की इस बहादुरी को हर कोई सैल्यूट कर रहा है। R9 TV के लिए सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट। मैडम नहीं ठीक है, मैडम नहीं करने दो, देखा ले रहा है और मारो रफा दो जना।